पितृपक्ष में पितरों के समान है ये तीन वृक्ष। पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव है। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई तो बरगद के नीचे बैठे शिव जी की पूजा करना ही चाहिए। तीसरा है बेल का वृक्ष। यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेलपत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों की मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अशोक, तुलसी, शमी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार आप पितृपक्ष में अपनी पितरों का सम्मान रूप में इन तीन वृक्षों की सेवा कर सकते हैं।